हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉइंटर के बारे में देखेंगे। पॉइंटर्स होते क्या हैं, पॉइंटर का क्या सिंटैक्स होता है और कैसे इसका यूज करेंगे, उसको एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो चलिए पॉइंटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, वी कैन से दैट पॉइंटर। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द पॉइंटर पॉइंट्स टू अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है, हम ये कह सकते हैं। तो अब हम इसको सिंटैक्स के थ्रू समझते हैं कि क्या सिंटैक्स है। जब भी हम पॉइंटर बनाएंगे हम किसी प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहले उसका सिंटैक्स के अंदर डेटा टाइप देना होगा और फिर वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके और वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल से पहले वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करना ही होगा जब भी वो पॉइंटर माना जाएगा। तो इस प्रकार से पॉइंटर की डेफिनेशन और सिंटैक्स होता है। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है पॉइंटर के, हम क्यों यूज करते हैं पॉइंटर का। तो फर्स्ट पॉइंट है कि थ्रू दिस एनी हिडन वेरिएबल कैन आल्सो बी यूज्ड। इसके थ्रू हम हिडन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। सेकंड, यूजिंग दिस मेमोरी कंजप्शन कैन बी रिड्यूस। इसके थ्रू हम मेमोरी को प्रोग्राम के अंदर मेमोरी कंजप्शन कम होता है। फिर थर्ड पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। इसके थ्रू हमारे जो प्रोग्राम की स्पीड जो होती है वो भी फास्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है कि थ्रू दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस। इसके थ्रू हमारे प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी कम हो जाती है। और फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि इट प्रोवाइड्स ए बेटर वे टू यूज मल्टी डायमेंशन। इसके थ्रू हम मल्टी डायमेंशन का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं पॉइंटर के। पॉइंटर का यूज करते हुए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसा कि हमने सिंटेक्स बताया कि सबसे पहले हमको डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा, जो कि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर किया है। और देन इसके बाद में हमने ए नाम का अपना वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने टेन नाम की वैल्यू स्टोर करवाई है, 10 वैल्यू स्टोर करवा दी उसके अंदर। जैसे ही हम ए नाम के वेरिएबल के अंदर हम जब 10 वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो मेमोरी में कुछ मेमोरी कंज्यूम कर लेगा ये वेरिएबल, उसका कुछ एड्रेस भी होगा। जैसे ही हमने 10 करा तो यहाँ पे हमारी एक मेमोरी कंज्यूम होगी। मेमोरी कंज्यूम कुछ भी एड्रेस हो सकता है और उसने हमारे यहाँ पे मेमोरी को कंज्यूम कर लिया है। इस प्रकार से अब हमको पॉइंटर का यूज करना है। पॉइंटर का यूज हम क्यों करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉइंटर का यूज करके हम किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर सकते हैं, जो हमारे पहले से हमारे प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए वो वेरिएबल, तभी हम उसको पॉइंट कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। तो उसी प्रकार से फिर हमने डेटा टाइप डिक्लेयर करा वापस इंटीजर टाइप का और उसके अंदर हमने पॉइंटर बनाया। पॉइंटर को हमने बी नाम का वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल को हमको पॉइंटर बनाने के लिए हमको वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करना होगा जब भी हम पॉइंटर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको पॉइंटर डिक्लेयर किया है, उसके बाद में हम पॉइंटर का यूज करके उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं जो कि पहले से हमारे प्रोग्राम के अंदर है, मौजूद है ये वेरिएबल। ठीक है, जैसा कि पी इक्वल एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और ए, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम इसके जो हमारा वेरिएबल है ए नाम का उसके वैल्यू के एड्रेस को हम पॉइंट कर रहे हैं, इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंटर के अंदर हम दो ऑपरेटर का यूज करते हैं। पहला हमारा वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है जिसका यूज करके हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, और सेकंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके उस वैल्यू के एड्रेस को हम पॉइंट करवाते हैं जो हमारे पहले से हमारे जो वेरिएबल हमारे पहले से हमारे प्रोग्राम में होता है उसका हम एड्रेस पॉइंट कराते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके। अब इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन का यूज करके और फिर पर्सन डी और पी को प्रिंट करवाया जो कि हमारा पॉइंटर है। पी को प्रिंट करवाऊंगी तो क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पी के अंदर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इक्वल एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ए, यहाँ पे हमने ए के एड्रेस को स्टोर करवा रखा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पी को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके और यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, इसलिए यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा जो कि क्या है 1048 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एड्रेस। फिर बाद में सेकेंड हमने प्रिंटर फंक्शन का यूज किया और यहाँ पे पर्सन डी और वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके पॉइंटर को वापस स्टोर करवाया। जैसे हम इसको ऐसे स्टोर करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ जो ए की जो वैल्यू है जैसे कि 10 है वो 10 प्रिंट हो जाएगी। हमको जब उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी होगी तो हम एड्रेस ऑफ वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके ये वर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दो ऑपरेटर का यूज करते हैं, पहला तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का और सेकेंड ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके उसके एड्रेस को हम स्टोर करवाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे और देखेंगे हमारा आउटपुट किस प्रकार शो हो रहा है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे, उसके लिए हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है और मेन फंक्शन से हमने हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। और अब एक हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया है, उसके अंदर ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और
ए के अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई है, जैसे इस वेरिएबल में हम 10 वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो ये मेमोरी में कुछ मेमोरी स्पेस ले लेगा ये वेरिएबल, और फिर हमको एक पॉइंटर बनाना, तो वापस हमको इंटीजर टाइप का डेटा लेना होगा। पॉइंटर का यूज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें हम किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करना होता है तो पॉइंटर का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सिंटेक्स के अंदर के पॉइंटर को, जब भी हम कोई वेरिएबल को पॉइंटर बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हमको एक पहले हमको डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा, और फिर हमको जब जिस भी वेरिएबल को हमें पॉइंटर बनाना है तो उसको उससे पहले हमें वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज करना होगा जब भी वो पॉइंटर बन पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने सिंटेक्स का यूज करते हुए हमने ये इसको डिक्लेयर किया है। अब हम इसका यूज करके हम क्या करना चाहते हैं, हम किसी दूसरे वेरिएबल को जो हमारे पहले से हमारे प्रोग्राम में एग्जिट कर रहा है, हमारे पहले से हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, उस वेरिएबल के एड्रेस को हम पॉइंट करेंगे, उसी वेरिएबल के एड्रेस को हम पॉइंट कर सकते हैं जो हमारे पहले से हमारे प्रोग्राम के अंदर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करके और उसके जो ए का जो एड्रेस होगा उसको पॉइंट करवाएंगे, तो इसके थ्रू हम ये इसको स्टोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दो ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, पहला वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके हम उस पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, और सेकंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके उसकी वैल्यू को हम एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रिंटर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम परसेंट बी और पॉइंटर को स्टोर करवाएंगे, तो क्या होगा कि उसका एड्रेस स्टोर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंटर के इक्वल रखा है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके, उस ए के एड्रेस को हम यहाँ पे पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, तो उसको जैसे हम किसी बी को हम जब हमारा जो पॉइंटर उसको हम स्टोर करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, उस ए का जो ए की जो वैल्यू है वो कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर हो रही है, तो वो उसका वो एड्रेस जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम प्रिंटर फंक्शन का यूज करके और फिर हम यहाँ पे हम वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके हम पॉइंटर को स्टोर करवाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर इसके हम एड्रेस ऑपरेटर वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके हम ये वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है जो हमारे ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी इसका यूज करके हम। यहाँ पे तो 10 प्रिंट होगा, मैं कमेंट आउट कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी इसका जो एड्रेस होगा कुछ भी हो सकता है वो स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको हम रन करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो अब यहाँ पे गेट सीज फंक्शन का यूज करके और हमारे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, और अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 10 तो हमारी वैल्यू और ये हमारा इसका एड्रेस है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैशन का यूज कर लेती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा कौन सा तो एड्रेस है और कौन सी हमारी वेरिएबल की जो वैल्यू वो स्टोर हुई है, जिससे हमें आसानी से पता चल जाए। वापस हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एड्रेस हमने पहले क्या किया था, हमने यहाँ पे पी पॉइंटर को स्टोर करवाया था, पी को स्टोर करवाया था, तो उसका एड्रेस स्टोर हो गया। और हमने सेकंड टाइम जब हमने प्रिंटर फंक्शन का यूज किया था तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेकंड टाइम क्या किया है, यहाँ प्रिंटर फंक्शन का यूज करके हमने वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके उसकी वैल्यू को स्टोर करवाया है, ए की वैल्यू को स्टोर करवाया। तो इस प्रकार से आप पॉइंटर का यूज करते हुए आप प्रोग्राम कर सकते हो, उस किसी भी अनदर वैल्यू वेरिएबल की जो एड्रेस को आप कंटेन या पॉइंट कर सकते हो।